Raksham! 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 वहां खुदाई में से मां की मूर्ति निकल आई है सर। चलो देखते हैं। साहब जी, जब इस जगह से मूर्ति मिली है तो यही मंदिर बनाना चाहिए, हम सबके लिए यही अच्छा होगा। सबकी भलाई के लिए तो ये ब्रिज बना रहे हैं, ये मूर्ति यहाँ रहेगी तो पिलर कैसे लगेगा, इसे हटाना ही होगा। नहीं साहब नहीं, ऐसा नहीं बोलते साहब। ई देवी माँ तो हम सबकी देवी माँ है, उनको इस स्थान से हटाए तो माँ को गुस्सा आ जाएगा, बहुत अनर्थ होगा, फिर रक्त पिएगी ये देवी, हम सबको बर्बाद कर देगी ये देवी। आप इस मूर्ति को मत हटवाओ। नॉनसेंस, मैं इनमें भरोसा नहीं करता। इन बातों से भयभीत होकर कंस्ट्रक्शन मत रोको तुम। रमन साहू, तुम इन सबके सरदार हो, तुम में सोच समझ है, इसलिए तुम ही इस मूर्ति को निकलवा दो, सुबह काम शुरू करना है। ये क्या किया? अब अनर्थ होगा। यह जंगल बड़ा घना है, यहाँ पर कई करोड़ रुपयों का आयरन ओर अंदर दबा हुआ है, ऐसा कई वैज्ञानिकों ने पता किया है। अगर इस घने जंगल में से कीमती आयरन ओर रेलवे द्वारा कारखानों तक पहुंचाया जाए तो हमारे देश को बहुत फायदा होगा। इसलिए हमारे सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि इस जंगल में जो रेलवे लाइन रुकी हुई है उसे ठीक करके, रेलवे लाइन को एक्सटर्नल करके रास्तों में ब्रिज बनाने का कार्य जल्द शुरू किया जाए। अब तक बड़े जोर शोर से इस ब्रिज पर काम करते हुए प्रसाद राव नाम के एक इंजीनियर की बड़ी बुरी तरह मौत हो गई, तो इस घने जंगल में जाने के लिए और इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए केवल काम जानना जरूरी नहीं, मोर देन दैट, करेज, धैर्य, साहस की भी जरूरत है। बहुत ही प्रेस्टिजियस और इम्पोर्टेंट इस प्रोजेक्ट को, अगर चैलेंज के रूप में कोई इसे टेकअप करेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कमाल है, वहाँ पे तो इंजीनियर पहले ही मारा जा चुका है, अभी कौन जाएगा वहाँ पे मरने? Anybody is there to take up this challenge? Yes sir, I will take up this job. इस प्रोजेक्ट को एक इंजीनियर के रूप में तुम सक्सेसफुल करोगी, ये भरोसा है मुझे। लेकिन तुम एक औरत हो और उस भयानक जंगल में तुम कैसे काम? अंकल, आप तो जानते हैं कि डर की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी मालूम है आपको, हंटिंग और राइफल शूटिंग में अवार्ड भी मिले हैं मुझे, इसलिए तो कहती हूँ जंगल में जाकर बिना किसी घबराहट के इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करके लौटूंगी। वेरी गुड, अगर तुम्हारे डैडी जिंदा होते तो तुम्हारी इस बहादुरी पर गर्व करते बेटी। बाय द वे, तुम्हारी हिफाजत के लिए एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक गनमैन भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, तो तुम कब निकलोगे? अब देरी कैसी अंकल, मैं कल ही निकलूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके। सुनो इब्राहिम, गन जो है ऐसे किसी को भोंकने के लिए नहीं,
बल्कि चलाने के लिए है। कितनी बार समझाया तुमको, 100 times I told you। अरे शुक्र मनाओ के सिर्फ चुभी है, अगर चल गई होती तो तुम मर जाते थे। हाँ छोड़ो यार, ये कहाँ चलेगी? वहाँ पर देखो, मुझे तो वही लोग लगते हैं। ये तो कोई चिड़िया मार लगता है। अरे बाप रे, ऐसे जोर से चिल्लाए जैसे कोई रेल का एक्सीडेंट हो गया। वैसे कौन हो तुम? Who are you? इसका नाम सूरी है, मजदूर है, और मैं हूँ रमन। यहाँ क्यों आए हो? इंजीनियर को लेने आए। ओह, इंजीनियर को लेने आए हो? इंजीनियर उस कंपार्टमेंट में है, हम उसके बॉडीगार्ड हैं, और ये सुपरवाइजर है। नमस्ते इंजीनियर साहब, मैं रमन साहू, आपको लेने आए हम लोग। अच्छा, और मेरा सामान? मैं उठा लूंगा। वैसे मैडम, ये बंदूक वाला आपको चिड़िया मारकर खिलाएगा। क्या बात बोलता रे तू, तुझे मैं चिड़िया मार देता हूँ, तुझे मालूम नहीं है होम मिनिस्टर का गनमैन था। पहले तू मेरे बॉडीगार्ड का काम करो। उस मंत्री के यहाँ से काम क्यों छोड़ दिया? वो क्या है कि टेररिस्ट लोगों से होम मिनिस्टर को बचाते वक्त इसकी बंदूक नहीं चली, उनकी बंदूक चल गई, तो उससे ये यहाँ हमारे पास आ गिरा। चुप रहो, होम मिनिस्टर का टाइम ठीक नहीं था इसलिए बच गया। मैडम वेलकम टू द फॉरेस्ट। थैंक यू। आप? मेरा नाम गिरीश है, यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। आप जहाँ काम करने वाली हो मेरे इलाके में है। Nice to meet you. Thank you very much. आप जैसी सुंदर लड़की का इस जंगल में स्वागत है। मुझे ये कोई सपना सा लग रहा है। आपको कभी भी मेरी कंपनी की जरूरत पड़े तो आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। थैंक यू। आइए, आपको मैं जीप में ड्रॉप कर देता हूँ, वो लोग सामान लेकर आ जाएंगे। मुझे माफ कीजिए, इन्हीं के साथ जाऊंगी मैं। अरे सूरी। हाँ मैडम का सामान अंदर लेके जाओ। ठीक है साहब। ये सब मजदूरों के घर है मैडम, और वो अस्पताल है, और वहाँ पर खेती बाड़ी होती है। इस कैंप से कितनी दूर पर काम की जगह है? 3 किलोमीटर होगा, जीप से 5 मिनट में पहुँचेंगे। आप तैयार हो जाइए। ठीक है, मैं 1 घंटे में तैयार होती हूँ, फिर काम पे चलते हैं। बाबा, मैं तो डर गई थी। कौन हो तुम? अजी मैं लड़की हूँ, ये तो मैं भी देख रही हूँ, पर तुम्हारा नाम क्या है ये तो बताओ मुझे। बाबा रे बाबा, सुनो, नाम है शिवांगी, पर प्यार से यहाँ मुझे सब शिवानी पुकारते हैं। अरे इतने प्यार से तो कोई अपनी पत्नी को पुकारता है, सब दीवाने हैं मेरे। मुझे मन ही मन में बड़ी खुशी होती है कि सब मुझे इतना चाहते हैं। असली बात मुझे बताओ। हमारे बड़े बाबू ने कल बुलाकर कहा, शिवांगी शिवांगी, इंजीनियर मैडम आ रही हैं, और तुम उनके साथ ही रहना और उनके सारे काम भी कर देना, इसलिए आपके लिए मैंने ये दूध और इतने सारे फल चुन कर लाई हूँ। बाबा रे बाबा, मैं तो भूल ही गई, बातों बातों में आपको नमस्ते करना। मुबारक हो आप सबको। आपको भी। हे, चलो काम शुरू करते हैं। Thank you.
इंजीनियर साहिबा गोली मारो, इंजीनियर साहिबा गोली मारो, गोली मारो। ये क्या किया? शेर को देख के गोली क्यों नहीं चलाई आपने? जाने क्यों, उसे देख के मुझे कुछ हो गया। अरे अगर वो मामूली शेर होता ना तो आप जरूर उसे मार डालती। वो तो देवी माँ का शेर है, देवी माँ का। हमने देवी माँ की मूर्ति हटाई थी इसलिए शेर हम सब गाँव वालों पर गुस्सा है। आदमखोर शेर हो या कोई भी शेर हो, अगर उसे खत्म न किया तो पुल के पूरे होते होते वो हम सबको खा जाएगा। अगर बच गया तो शहर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। चलो भाइयों चलो। जरा रुको ना गोल, ऐसी भी क्या जल्दी है। बैठो। इंजीनियर साहिबा, इस शेर को पकड़ना है तो राजू को बुलाना होगा। राजू कौन है वो? इस जंगल का बादशाह है वो, सारे गांव का और हम सबका प्यारा है वो। कैसा भी जानवर हो उसे वो पकड़ कर ही दम लेता है, वही है हमारा रक्षक। लोगों को मैं माफ कर दूं? सुनो, इस जंगल की देवी का बेटा हूं मैं। इसी मां पर भरोसा करके जी रहे इन जानवरों को मारकर उनका व्यापार करने वाले तुम्हारे जैसे पापी लोगों का बाप हूं मैं। तुम लोग अपने फायदे के लिए इस जंगल के खजाने को लूट रहे हो, इसलिए मुझे तुम लोगों पर गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी ये हरकतें पूरी इंसानियत को खत्म कर रही है। आइंदा अगर तुम लोगों ने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो तुम सबको जिंदा जला डालूंगा, समझे? चलो लोगों को छोड़ देना। अगर जानवरों ने इनको नहीं खाया तो तुम्हारे लिए काफी टूरिस्ट आए भैया। कहते हैं जंगल का गाइड राजू कहाँ है, तुम चलो आता हूँ। क्या राजू को जब देखेगी तो अपना होश खो बैठेगी, फिर से मेरी बातों पर यकीन होगा ना? आए तो मेरी बला से। आ गया राजू भैया। इब्राहिम भाई, राजू भैया आ गए। क्या हाल है सूरी? राजू भैया, ये इब्राहिम हमारे मैडम के बॉडीगार्ड हैं। आप गलत मत सोचो राजू भाई, इसका हेलो बोलने का तरीका यही है। कम ऑन टेक्निक। हेलो, तो आपका नाम ही है ना राजू? हाँ। ओ बड़ी खुशी हुई। क्या ये क्या है? बहुत कमजोर बॉडी है इसकी, मेरे होते हुए क्या जरूरत है इसकी। राजू भैया इंजीनियर के पास चलते हैं। अरे देखो राजू भैया आ गए। इंजीनियर साहिबा, मैंने आपसे इसी राजू के लिए कहा था। राजू भैया यही है इंजीनियर साहिबा। यही है इंजीनियर मैडम। हाँ, शादी हो गई। कमाल की है। हमारी इंजीनियर साहिबा बहुत अच्छी है। शाम
सामने कोई लड़की देखते ही उसकी आंखों से आंखें मिलाता है और फिर सब उस पर मर मिटती हैं। जरा सा मुस्कुराता है और बस उसका काम हो गया। आपका भी यही हाल होगा। इंजीनियर साहिबा, इस राजू को कम मत समझना। इस जंगल का मैं हूँ राजा। इंजीनियर साहिबा, साहिबा राजू भैया हमारे साथ होंगे तो हम शेर को मार सकते हैं। बंदूक चाकू छुरिया तीर कमान बहुत होशियारी से चलाता है। दिखाओ। औजार का उपयोग करना काफी नहीं होता, दिमाग दिमाग का भी उपयोग करना पड़ता है। एक तो वो शेर है, वो इंसान को मार कर बच निकलने में बड़ा तेज होता है। ये बात तुमको शेर ने आकर कही क्या? अनटेम्ड अफ्रीका, इस बुक में मैंने पढ़ा है। इतनी पढ़ी लिखी हो तो परसों जब शेर आया तो पकड़ा क्यों नहीं आपने? रमन, ये खुद इतनी होशियार है तो मेरी क्या जरूरत है? मिस्टर, मैं एक इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक हंटर भी हूँ। कितने ही जानवरों को मारा है। मतलब मुर्गी, मच्छर, बकरिया, चींटी। राजू ये थोड़ी बहुत मजाक कर लेता, आप बताइए वो सुनेगा? प्लानिंग मेरी। फैमिली प्लानिंग क्या मिस्टर? राजू भैया आप अपनी प्लानिंग बताइए। ओके, थोड़ी देर में कैंप में मिलेंगे, वहाँ प्लानिंग स्कीम वगैरह डिटेल्स में कंप्यूटर में दिखाऊंगी तुम्हें। हे शिवानी, बहुत दिनों के बाद मिली हो, क्या बात है? क्या है राजू, जब से ड्यूटी करने लगी हूँ वक्त ही नहीं मिलता। हमारी याद तो आती होगी। मैं तुम्हें भूली ही कब थी। क्या हुआ? क्या है कि यहाँ का पानी बहुत बढ़िया है, तभी तो इतनी खिल गई हो। बस करो राजू, रुको। ओ, ये क्या, इंजीनियर साहिबा तो सिनेमा में शेर को दिखा रही है। सिनेमा मैंने बचपन में कभी देखा था। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए मैडम। आई विल एक्सप्लेन देम। अरे वो टीवी नहीं, सिनेमा भी नहीं है, वो कंप्यूटर है मैडम। उसमें शेर को कैसे पकड़ना होगा ये बताएंगी सबको। राजू इधर देखो। मुझे नहीं, फिर उधर, सॉरी। हमारी बोली में इधर देखो कहने का मतलब जुम्मा ले लो होता है, वही करने जा रहा था। नहीं नहीं अब नहीं लूंगा। ये कैंप एरिया है, वो शेर इधर से भी आ सकता है और उधर से भी आ सकता है। नहीं आ सका तो? ये क्या है? सिगरेट। उसे फेंक दो, आई हेट स्मोकिंग। बहुत मजा है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, शेर का मामला है। हम सबको शेर के आने से पहले कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ ऑब्जर्व करना होगा। रुक, वहीं रुक जा। ये तंग करने वाला कीड़ा है, इसने अगर काट लिया तो मुंह से झाग निकलेगा, तुम मर जाओगे। ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, मैं देखता हूँ। हिला मत, हिला मत, हिला मत, मैं मार डालूंगा, चिंता मत करो। ये झिंगुर है या मामूली सा कीड़ा है? ये तो एक मामूली कीड़ा है, बिल्कुल मामूली, काटता भी नहीं है। बेकार में मार डाला इसको। सॉरी मैडम, ऐसे खतरनाक कीड़ा समझ के इन कड़क हाथों से मारा। डिटेल जरूरी नहीं, देखो प्लीज। मैंने कहा था इसको, वहाँ पर बैठा हुआ। सिनेमा बहुत अच्छा है। तो फिर सबको समझ में आ गया ना? आज से ये काम हम शुरू करेंगे, तो तुम सब लोग तैयार हो ना? अरे यार ये तू क्या कर रहा है? शेर आ गया क्या? मुझे तो नींद आ रही है, ठंड भी लग रही है। बुरा ना माने तो एक सिगरेट। ओके थैंक यू। यस, शेर के आने का वक्त हो गया। क्या शेर टाइम देख के बाहर आएगा? ज्यादा सवाल मत करो तुम। ओके। मैंने गोली में चला ला, गोली में चला ला। इब्राहिम की बंदूक से घबरा गया था मैं मैडम, इसीलिए आवाज की थी। शिट। शाम को बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या हुआ?
क्या है वो, मैंने जोर का मारा था अपने इस हाथ से। Shut up. देखो वाकई फील हो रहा है मुझे। वहाँ देखो कुछ हिल रहा है। नीचे उतर के देखा। शेर हुआ तो शेखंड करके अपना परिचय देना। ये मजाक का वक्त नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है शेर ही होगा। मैडम इस बार चांस मुझे दो। ओके शूट। ओके शूट। क्या शूट शूट, ये तो जंग लगी गवर्नमेंट गन है, बिल्कुल नहीं चलेगी। सचमुच नहीं चली गोली मैडम, इस बार ट्राई आप कीजिए। लेट मी डू इट। सिक्योरिटी मैडम, तुम जाकर उसकी बॉडी लेकर आओ। ठीक है। रुको जरा। हाँ। चार आदमी जाओ और उसे उठा कर लाओ। अभी लाया मैडम। मैं इतनी हिम्मत से गोली चला सकती हूँ, तुमने सोचा नहीं होगा। कम ऑन। यस मैडम। डेड बॉडी को देख के बहुत परेशान हो रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। देखो, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? वैसे घबराहट तो उसको हो रही होगी। अरे भाई इधर लाओ जरा, देखते हैं जिंदा है या मर गया। हाँ जिंदा है। अरे नहीं, छोड़ क्यों दिया उसे, भून के खाने मजा आता था। कर इंजीनियर साहिबा। यस। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, कल से कोई और नई स्कीम तैयार करनी होगी हमें। साहिबा। हाँ बोलो। मेरी बात मानो तो, जिसका काम है वही करे तो अच्छा होगा, लोग भी यही चाहते हैं। ये बात है। तो ठीक है, सब मिलके ही वहाँ जाएंगे। हाँ चलो। खरगोश का क्या निशाना लगाया था ना ये सही बात। ये बदबू कहाँ से आ रही है? अरे राजू भैया, ये तो तीन रोज से काम पर नहीं आया, तो मैं समझा कि शेर के डर से भाग गया, लेकिन उसे डर के मारे अपनी जान गंवा बैठा। राजू भैया Thank you.
ये क्या है राजू? ये खून है जख्मी शेर का। थोड़ी सी चूक हो गई, वरना उसका काम तमाम हो गया होता। ये सब उस पक्षी की वजह से हुआ है। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, माफ कीजिएगा। चाहे कुछ भी हो, अब हम सबको होशियार रहना होगा। जख्मी शेर बड़ा ही खतरनाक होता है। आओ चलें। ये जन्म भूमि भूमि भूमि, ये मेरी जन्म भूमि महा। अरे मुझे क्यों नमस्ते बोलते हो? इस माँ को प्रणाम करो। हम सब जो कुछ भी खा रहे हैं, इस माँ की बदौलत ही तो है। इस भूमि की वजह से मेरी 5 एकड़ की जमीन आज इतनी बढ़ गई है कि वो 5 एकड़ से 50 एकड़ हो गई है भैया। हिम्मत और मेहनत से तो हम कुछ भी पा सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी। अरे इंदर सिंह, इनको 2 बोरी अनाज दे देना। आओ भैया। सच चंदू भैया, आप जैसे लोग इस संसार में हो तो गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी इस गांव से। देख लेना, आप 100 साल तक जिएंगे चंदू भैया। नमस्ते नमस्ते। ठीक है ठीक है, जाओ काम देखो, जाओ। गिरीश आओ, आओ। कमाल का आदमी तू चंदू, तेरा तो जवाब ही नहीं यार। तेरा पहनावा किसानों जैसा है, बातें तू देशभक्ति की करता है, पैदा करता गांजा वगैरह। और ऊपर से इन सबसे आशीर्वाद भी लेता है तू। तुमने कोई कम खाया गिरीश? रेंजर वर के यहाँ आए और चोरी छुपे सरकारी सामान, छोटे मोटे जीव जंतु आज सब बेचते हो। इन सब के बारे में पूछो तो कहते हो शेर ने सब कुछ किया है, और तो और मुझसे भी कमीशन खाते हो तुम। अब असली बात पे आता हूँ। हम यहाँ मिलजुल कर कुछ कमा रहे थे कि गवर्नमेंट ने ब्रिज का काम शुरू करवा दिया। अगर ब्रिज पूरा हो गया और सब आने जाने लगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। वो इंजीनियर मैडम ब्रिज पूरा करने पे लगी है, लेकिन हमें उसे किसी तरह रोकना होगा। मैं सब कुछ समझता हूँ गिरीश, वो शेर ही इन सबको खत्म कर डालेगा कभी भी। शेर को खत्म करने के लिए वो राजू भी आ गया है। उस इंजीनियर मैडम और मजदूरों के लिए वो उनका रक्षक बन गया है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो ब्रिज पूरा हो जाएगा। हरगिज नहीं। पहली बात तो वो इंजीनियर मैडम कल की सुबह नहीं देखेगी। डरो मत, आँख खोलो। थैंक यू राजू भैया, शाबाश। मैडम आप ठीक तो है ना? राजू भैया आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, कमाल कर दिया राजू भैया ने। Thank you.
छोड़ दो तुम्हें। अरे बाल बाल बच गई वो, वरना तुम्हें ऐसा मजा चखा था। आइंदा ऐसा किया तो समझ लेना। अरे बाप रे, बच गया भगवान। अरे शिवानी, क्या है? कहाँ जा रही हो? खरगोश पकड़ने। वहाँ जाना ठीक नहीं, जल्दी वापस आओ। आती हूँ। क्या हुआ? शिवानी, क्या हुआ, क्या बात? उस भयानक शेर से बच गए तो हम भीख मांग के भी जी लेंगे। शेर हमें खा जाएगा। अरे चलो 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 रमन, ये अरे भागो जल्दी करो। मैं कहती हूं रुक जाओ, पुल का काम पूरा करना है। अब क्या पूरा करें, पेट की भूख के लिए जंगल में आकर पुल का काम करने लगे, लेकिन अब नहीं होगा, जान पे आ गई है। मैं बोल, आप चुप रहो रमन भैया। वो भयानक शेर हमारे आदमियों को मारकर खा रहा है, तो क्या आपकी सरकार उनको वापस जिंदा कर सकती है? बताइए, मेहनत के पैसे से सबको पालना चाहते हैं, मगर पैसों के बदले सबकी मौत नहीं चाहते हम। आपको और आपके काम को जय राम जी की। चलो भाइयों, चलो चलो जल्दी चलो चलो चलो। क्यों रुक क्यों गए तुम? जाओ भाई, भाग जाओ। मौत के डर से भाग कर आ गए, यही जाकर कहना शहर में सब लोगों को। काम को अधूरा छोड़कर जा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। देखो, इधर शेर के डर से भागकर तुम लोग शहर में जाओगे, और वहां शहर में खाने के पैसे नहीं होंगे, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पूरी तरह बर्बाद होने से बेहतर यही होगा कि हम लोग यहीं रहकर मेहनत करके उस ब्रिज को पूरा करें। रेल लाइन शुरू होने से यहाँ के खनिज पदार्थ दूर दूर तक जा सकेंगे, तब हम सबको बहुत सारा काम मिलेगा, हमारा जीवन खुशहाल होगा। सोच लीजिए।
आप सब अगर थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा और उस शेर को मार के ही दम लूंगा। अगर अब भी तुम लोग नहीं समझ सकते तो जा सकते हो, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम लोग डरपोक रोज मरते हैं पर हिम्मत वाला एक ही बार मरता है। अब बिल्कुल ठीक, चलो आ जाओ। जल्दी करो, रात होने वाली है। वो शेर हमारे घरों की तरफ ना आकर इस तरफ आएगा इसका क्या भरोसा राजू भैया? हमने जो कांटों का जाल बिछाया है उससे वो हर हाल में हमारे घरों की तरफ नहीं जाएगा। मुझे यकीन है वो इस पिंजरे में ही आएगा। जैसे ही वो शेर इसके अंदर घुसेगा वो तार जो हमने लटकाया उसके पैरों से टकराएगा और पिंजरा बंद हो जाएगा। हाँ अगर ऐसा होगा तब ना। फिर इस दरवाजे को ऊपर करना हो तो इस रॉड को दबाना पड़ेगा। उस आदमखोर के लिए पिंजरा काफी होगा, इसे तो बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। इतना मौका क्यों देंगे उसे, हम तुरंत गोलियों से छलनी कर देंगे उसको। अरे उसके सामने पिंजरे में जाए इतनी हिम्मत किसमें है भैया? मुझ में है, मैं जाऊंगा। ये लो राजू भैया, जरा संभाल के। हाँ। देखो जब तक मैं ना कहूं तुम लोग अपने घरों से बाहर मत आना, समझे? राजू भैया उस शेर ने तुमसे एक बार चोट खाई है, फिर तुमको शेर देखेगा तो जरूर तुम पे वार करेगा और तुम्हें कुछ हो गया तो वाल्मीकि सरदार को। मैं लोगों की भलाई के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। Thank you.
रमन भाई, रमन। राजू भैया, सबकी भलाई के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये लो राजू भैया, जरा संभाल के। मुझे मत मारो। बताओ। मुझे मत मारो। क्यों किया तूने ऐसा? बताता हूँ। फॉरेस्ट ऑफिसर गिरीश ने मुझे करने को कहा। Hey, Raju!
वहीं रुक जाओ। उसको कोई खराश भी आई तो या इंजीनियर मैडम को मार डालूंगा। तुम इंजीनियर मैडम को मार दो या छोड़ दो, मुझे इससे क्या। लेकिन कईयों का प्राण लेने वाले उस शेर को भगाने में और रमन की मौत का कारण जो है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे खत्म करके यहीं दफना दूंगा। ये एक इंजीनियर मैडम ही नहीं राजू, बल्कि तुम्हारी पत्नी भी है। क्यों राजू, सच्चाई सामने आई तो तेरे होश उड़ गए है कि नहीं? हाँ वो मेरी बीवी है और ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी मैं इस गिरीश को छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरा हाथ। गायब हो गया। ए मामा, ए नरसिंह मामा, आ गया। अरे ये सब तुमने क्या पहन लिया मामा, ये कपड़े कहाँ से पहनकर आ गए? मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं लगेगी मुझे। मेरी बात छोड़ो, तुम तो इन कपड़ों में एकदम चमक रहे हो, एकदम दूल्हे की तरह लग रहे हो। सच कहते हो, बिल्कुल ठीक फरमाया था उस ज्योतिष ने कि तुम्हें सुंदर कन्या मिलेगी। राजू उधर देखो, कोई निशानेबाजी कर रहा है, मेरा भी मन कर रहा है। चल। अरे यार कितने देर तक निशाना लगा रही हो, तुम्हें शूटिंग आती भी है नहीं? इसे शूटिंग आती हो या ना आती हो, लेकिन कोशिश तो कर सकती है ना, ठीक कहा ना? विकी प्लीज। ओके ओके प्रोसीड। अरे आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, वाली सब लोग ऐसी चुपता है, शाम होने को भी बहुत टाइम है, एक निशाने का ₹5 ओनली, फिर से ट्राई कीजिए। सी ऐश, तुम यूं ही अगर चूकती रहोगी तो इससे बेहतर होगा कि चुपचाप बैठी रहो। इससे तो अच्छा होगा कि गुब्बारा लेकर दोनों हाथ से फट से दबाओगे तो आवाज भी अच्छी आएगी, ग्रेट शूटर। सुनिए, जो कोशिश करता है उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि निराश करना चाहिए। देखो आप निशाना लगाना चाहती है ना, अब पूरी तरह कोशिश कीजिए, मैं कहता हूँ चलाइए, बिल्कुल ठीक निशाना लगेगा, मैं तुमसे जरूर निशाना लगवाऊंगा। चलाओ, गुब्बारा जरूर फटेगा। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे पकड़िए इसे, ये हाँ जरा पास लाइए। हाँ अब बताइए किस गुब्बारे पर निशाना लगाएंगे? रेड बैलून। सांस रोक कर चलाइए, चलाइए, लग गया निशाना। लाओ जरा, फिर चलाओ। लो चलाओ चलाओ। सब गुब्बारे फोड़ दिए। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है? नॉट टू मच। वैसे आप कौन? राजू। कहाँ के रहने वाले हो? मगध साम्राज्य के। जी बगल में एक जंगल है ना, उसी में, वही गांव में रहता हूँ। जंगली हो तुम? जंगली नहीं पर खुरदार, जंगल का राजा है ये। और आप? मेरा नाम ऐश्वर्य। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम विकी, ऐश फियांसी। पिनिसा मतलब पैसे बहुत खर्चा करते हो। पिनिसा नहीं बे, फियांसी। क्या मतलब होता है? फियांसी का मतलब ऐश्वर्य का होने वाला पति। ये क्या, आपकी होने वाली पत्नी बेचारी हार रही थी और आप उससे उल्टी सीधी बात कर रहे थे? Well said. What, Vicky? तुम्हें नहीं लगता राजू ने तुमको भी और मुझको भी कुछ अच्छा सिखा? So Ash, अब तुम हम सबको पार्टी दोगी क्यों? पार्टी। राजू राजू राजू। ओके ओके, देखो मुझे जिताने वाला राजू जैसा कहेगा वैसा करूंगी। बोलो राजू क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्या चाहिए? अच्छा एक चाय पिला दीजिए। So simple, come on। गरम चाय, चाय, गरम। बाबू इधर आओ, इधर सबको चाय दो। लो पियो, आप भी लीजिए सर। चाय पीने की चीज है। इस चाय को छीछी कहते हैं आप? सर ये चाय तो बड़ी महान है। क्यों कैसी लगी? आ गए चाय के गुण। अच्छा बाय बाय बाय। अरे बबुआ मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, क्या यही मेम साहब का घर है? क्यों नहीं हो सकता। ऐश्वर्य जी कहाँ मिलेंगे बता सकते हैं? नमस्ते। नमस्ते, मेरी एंगेजमेंट में आने के लिए थैंक्स। मुझे आपने इतने प्यार से बुलाया तो आपकी बात को कैसे ठुकरा सकता था? थैंक यू। छोटा सा तोहफा। क्या है राजू? यूं ही छोटा सा। यूं ही छोटा सा क्यों बोलते हो? आपकी सगाई ने इसलिए छोटा सा तोहफा लाया हूँ। क्या मेरे लिए तुम लाए हो तोहफा? कहाँ है दिखाओ ना। हाय ऐश। नमस्कार जी। वो ट्रैवल टाइगर, यूं ही बोला था, तुम तो सचमुच चले आए यहाँ पे। बाय द वे यहाँ खाने की इतनी वैरायटीज हैं जो तुमने सपने में नहीं देखा होगा। ओके हाँ ऐश, तुम्हारे लिए मैं एक वंडरफुल गिफ्ट लेकर आया हूँ। पेरिस से स्पेशल ऑर्डर दे के मंगवाया है मैंने। थैंक यू, इसे बाद में पहनूंगी। ओके विक्की। ओ वन सेकेंड, एक्सक्यूज मी, जल्दी से रेडी हो जाओ। दिखाओ कहाँ है तुम्हारा तोहफा। अब जाने भी दीजिए उसको। राजू दो ना प्लीज। ये फूल सिर्फ एक बार अमावस की रात को खिलता है, इसे जहाँ रख दो खुशबू ही खुशबू बिखेरता है। कहते हैं इसे घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है, लेकिन आप जैसे अमीर लोग इसे। ऐसा क्यों बोलते हो राजू? कभी कभी तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती है, कौन दे रहा है ये इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी मुझे सब गिफ्ट्स में से यही सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऐश फंक्शन का समय हो गया, कम ऑन। आप चलिए, मैं नीचे हूँ। ओ विकी ये सब क्या है? वैरायटी रोमांस। तुम्हारी सगाई होने वाली है, तुम यहाँ मेरे साथ। यही तो जिंदगी है, वहाँ एंगेजमेंट, यहाँ एंटरटेनमेंट। शादी के बाद भी ऐसे ही करोगे? सुनिए ये क्या कर रहे हो? तुमको यहाँ किसने आने दिया? वो कोई भी हो, वहाँ आपकी सगाई उनसे और यहाँ ऐसी हरकतें। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? कोई भी हो वो अच्छी बात तो बोल सकता है ना। शादी का मतलब एक औरत मर्द पर भरोसा करके उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाती है, उस औरत को धोखा देना अन्याय है, पाप है। आपको अपना सुख दुख बीवी के साथ ही बांटना चाहिए, ना कि किसी अरी के साथ। माइंड योर टंग। तुम जाओ, तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। सुनिए आप उनको धोखा मत दीजिए, बदल जाइए भाई साहब। ऐश्वर्या जी बहुत अच्छी हैं, उनके जैसी देवी के साथ अन्याय करना गलत होगा। जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं भी उनसे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये बात ऐश्वर्या जी को मालूम हो गई तो उनका दिल टूट जाएगा, इसलिए आपसे विनती करता हूं मेरी बात मान जाइए। और मेरी एक बात गौर से सुनिए, ऐश्वर्या जी को अपने दिल में बसा कर रखिए। हाँ और एक बात, पति हो जाना बड़ी बात नहीं, पत्नी के दिल में जगह बनाना बड़ी बात है। हाँ माय डियर फ्रेंड्स,
मेरी इकलौती लड़की ऐश्वर्या की और विक्रम इंडस्ट्रीज के मालिक जयराज के इकलौते बेटे विक्रम के साथ आज सगाई की रस्म पूरी होगी। सगाई छोड़कर वो इस तरफ आ रही है? हाँ मैजू, बड़ा बुजुर्ग हो ना, शायद इसलिए मेरे पास आशीर्वाद लेने आ रही है। हाँ, बड़ा दिल है उसका। आइए। तुम मुझसे शादी करोगे? एक लड़की की जिंदगी में बहुत बड़ा निर्णय लेने का समय है ये, और तभी तो मैं बिना किसी झिझक के तुमसे सीधे आकर पूछ रही हूँ। ऐश्वर्या, ये क्या? तुम पागल हो गई हो? तुम होश में तो हो? होश में आई हूँ, तभी ये निर्णय लिया है मैंने। डोंट टॉक नॉनसेंस, इधर आओ। उसने तुम्हें सिखाया, इसका मतलब तुम ऐसा निर्णय लोगी, उसका एहसान 1,000,000 रुपए देकर चुका दो, दे दो। डैडी, आपको पता है एक औरत ब्याह के समय मत का हाथ क्यों पकड़ती है? वो हाथ उसके जिंदगी भर रक्षा करेंगे, जिंदगी भर साथ देंगे। कल जब मैं हार रही थी, विकी ने मेरा मजाक उड़ाया था, इनकरेज करके जिताने की कोशिश नहीं की। राजू ने हिम्मत बंधाई और मुझे जिताने की कोशिश की। मेरे सामने एक गर्भवती औरत को विकी ने मारने की कोशिश की थी, जबकि इंसानियत दिखाकर उस औरत और बच्चे के प्राण बचा लिए राजू ने। वो एक जंगली आदमी है, जड़ी बूटियों से बचाया उसने, इससे उसका कैरेक्टर बड़ा नहीं हो गया। सगाई के दिन पराई औरत के साथ चुमा चुमी करना, क्या यही कैरेक्टर होता है? वो तुमसे तो अच्छा है ना? जरा आप ही सोचिएगा, जिंदगी भर के लिए आपकी बेटी को खुश रखने वाला इन दोनों में से कौन बेहतर होगा बोलिए? लेकिन उसकी हैसियत क्या है? पैसा तो कईयों के पास होता है, हमारे पास भी है, बहुत कम लोगों के पास इतना बड़ा दिल होता है। वैसे पढ़ी लिखी तो मैं हूँ ही, और वो हिम्मत वाला, ये सब सोच समझ कर ही मैंने ये निर्णय लिया है। राजू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजू बेटा, मुझे भविष्य बताने वाले की बात याद आ गई कि बड़े घर में शादी होगी, लक्ष्मी आएगी। हाँ बोल दे, बोल दे। राजू वो... बोलो। मेरे माँ बाप मान गए तो मैं भी। माय डियर फ्रेंड्स, अचानक शादी करने के कारण मैं अपनी बेटी की शादी में किसी को नहीं बुला सका, माफी चाहता हूँ। आज ये दोनों फॉरेन से हनीमून का ट्रिप करके लौटे हैं, अपने दामाद से सबका परिचय कराऊं, इसलिए पार्टी रखी। वेयर इज योर सन इन लॉ? ही इज कमिंग। हमें अपने दामाद से जल्दी मिलवाइए, बस आ रहे हैं। एपी यार का दामाद कोई आम आदमी थोड़े ही होगा। वेयर इज द हीरो ऑफ द पार्टी? ही इज गेटिंग रेडी। ये सब मैं खूब समझती हूँ। बढ़िया चांस था, तुमने खो दिया। क्यों जी? एक्सक्यूज मी सर, ही इज माय सन इन लॉ राजू, सबको विश करना है। नमस्ते। नमस्ते करो। मिस्टर भारद्वाज। नमस्ते। मिस्टर दिनेश। हेलो। हेलो सर। कितना मजा आता है। अरे देख माँ देख, कैसा लग रहा है तेरा बेटा? अरे बेटा, तू तो राजा लग रहा है। राजा है ना? मेरा राजा बेटा, मेरे राजा को किसी की बुरी नजर ना लगे। सुनो बेटा, तुम्हारे बिना देखो इस मोर की क्या हालत हो गई है। अच्छा, ये खाना भी नहीं खाता, हमेशा तुमको याद करता है। अंकल, संबंधी जी,
मेरे मम्मी डैडी आए हैं। जानते हैं संबंधी जी, मेरे बेटे से इस मोर को बड़ा लगाव है। मैं इसको यहीं आप लोगों के पास छोड़ने आया हूँ संबंधी जी। ये आप सबका मनोरंजन करेगा, अपने पंख खोल कर दिखाएगा। इसका मतलब ये हमारा हो गया? अरे मेरा बेटा ही जब आपका हो गया तो ये भी तो आपका हो गया ना। आप ही का है साहब। ए इधर आओ, इसे अंदर लेके। यस सर। मेरा प्यारा मोर जा। आया, ये साड़ी रेडी करके मुझे दो। जी मैडम। नमस्ते सर, ये मेरा सनी लॉ राजू। कमाल कर दिया तुमने, वही सोचता था इतना हैंडसम कौन है। दामाद जी हैं। वेरी गुड। क्या करते हैं आप? जंगल में जो टूरिस्ट आते हैं उनका गाइड हूँ, और हमारे कुनबे में जो हाथ का माल बनता है जी, उसे शहर लाकर बेचता हूँ। कमाल करते हो। व्हाट मिस्टर जेपिया, करोड़पति होकर दामाद कोई अमेरिका से लाओगे सोचा था? आप भी कमाल हो। राजू तुम जाओ, ऐश्वर्या को लेकर आओ, डिनर का वक्त हो गया। अरे अभी तक रेडी नहीं हुई? क्या आती हूँ, जस्ट 5 मिनट्स। क्या जी, साड़ी पहनने में भी 5 मिनट लगते हैं क्या? ये कोई पैंट शर्ट नहीं जो तुरंत पहन लो। मैं होता तो 1 मिनट में फट से पहना देता, पता है? ठीक है, पहना। अभी लो, दूर हटो जरा, ये लो। शाबाश। जल्दी पहना दी तुमने। जल्दी खोल भी सकता हूँ। मम्मी डैडी गांव से आए हैं, नीचे। अच्छा, जरा बाल बना के आती हूँ। ठीक है। रेडी सर। देखिए आपकी फेवरेट डिश। ओह माय गॉड, मोर है। मुझे बहुत पसंद है, देखते ही मुंह में पानी आ गया। आई विल सर्व। अजय सुनिए तो, इन्होंने हमारे प्यारे से मोर को मार डाला। बड़े लोगों से झगड़ दियो। हाँ क्या हुआ? वो लोग मिलकर हमको। राजू असल में क्या हुआ था कि वो, हाँ चाहे कुछ भी हो, एक औरत पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। राजू मेरी माँ पर हाथ उठाता है, मेरी माँ पर हाथ उठाता है तू। राजू क्या कर रहे हो? तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। मैं कहती हूँ छोड़ दो इनको। इसे छोड़ने को कहती हो? जो काम इसने किया उसके लिए तुझे मार डालना चाहिए। पागल हो गए हो क्या? आदमी हो या जानवर? मार डालूंगा। जानवर की तरह बर्ताव कर रहे हो। मैं जानवर हूँ जैसा बर्ताव? बेटा बेटा राजू ये क्या कर रहे हो? मैं अपने लोगों के साथ गांव वापस जा रहा हूँ। इस तरह जाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो राजू। मैंने तुमसे शादी करके बड़ी गलती की। ऐसी वैसी बात मत करो। अच्छी तरह समझ गया हूँ, जंगली जानवर कहा था ना तुमने राजू। राजू प्लीज, ये आखिरी फैसला है क्या? इस जंगली जानवर के साथ जीना चाहती हो तो तुम आ जाना जंगल में, राह देखूंगा तुम्हारी। राजू रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। राजू क्या हुआ मैडम?
क्या हो गया? हमने सोचा था कि इतनी सुंदर बहू लाकर हमारा बेटा घर संसार बसाकर बहुत खुश रहेगा, लेकिन कौन जानता था कि झगड़ा इतना बढ़ जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे कार आ रही है गांव में राजू, कार आ रही है हमारे घर की ओर, बगली की सरदार कार आ रही है। कार हमारे घर आ रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा, सच कह रहा हूँ, राजू के ससुर जी चला रहे हैं। ए, सुनो संबंधी जी आ रहे हैं। अरे बेटा देखो, फिर कोई झगड़ा मत करना उनके साथ, बस समझौता कर लेना। हाँ बेटा, हम चाहते हैं तुम दोनों फिर साथ रहो। आइए संबंधी जी, आइए 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 ना संबंधी जी, आइए। सुनिए संबंधी जी के लिए कुछ फल ले आइए। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद तुम्हारे बेटे को देने कोई कागज लेकर आया हूँ। कागज मतलब? क्या है ये? डाइवोर्स पेपर, इसका मतलब तलाक के कागजात। देखो साहब, ये तलाक क्यों साहब? तेरे बेटे से मेरी बेटी अलग होना चाहती है। अब वो तुम्हारे बेटे के साथ नहीं रहेगी, वो तुरंत तलाक चाहती है। ये क्या साहब, अगर जल्दबाजी में बच्चे कोई गलती कर बैठे तो हमें उन्हें समझाना चाहिए साहब। हाँ साहब, उनको अलग नहीं होने देना होगा, उनको समझा बुझा के मिलाने की कोशिश करनी होगी हमें, तभी मैं कहता हूँ कि हम भी आएंगे वहाँ समझाने को। अब वो समझने वाली नहीं है, उसको नफरत हो गई राजू से, मन उसका टूट गया, वो अब इसके साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं करेगी। क्या ये सब उसने कहा? हाँ बिल्कुल, यही नहीं अब जिंदगी में तुम्हारा मुंह भी नहीं देखेगी। कुछ दिनों में वो अपने मन पसंद लड़के से शादी करके यहाँ से विदेश चली जाएगी। जिस तरह मैं यहाँ पछता रहा हूँ उसी तरह वो भी पछताती होगी, और मिलने के लिए आएगी ये सोचा था, लेकिन उसे मेरी सूरत से भी नफरत है, तो दोनों का अलग होना ही अच्छा होगा। यही इसमें लिखा हुआ है। ए भगवान। बेटा जल्दबाजी में कुछ मत करना, एक बार उसे मिलकर तो आओ। नहीं माँ, हमारे लिए जब उसके दिल में कोई जगह नहीं, फिर तो उसके बारे में सोचना भी गलत होगा। लेकिन साहब, 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 ये सब क्या हो गया बेटा? बस करो माँ, तुम दुखी मत हो, अगर कोई चीज हमारी है तो हमारे पास जरूर आएगी, हमारी नहीं है तो कितनी भी कोशिश कर लो हमें नहीं मिलेगी। राजू भाई, सच में तुम्हारी मोहब्बत और शादी के बाद बिछड़ जाना सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। तुम इतने बहादुर योद्धा और इंजीनियर साहिबा इतनी सुंदर, तुम दोनों का इस तरह अलग जीवन बिताना बदनसीबी है राजू भाई। ए, मेरा मन कहता है तुम दोनों जल्दी ही मिल जाओगे, जरूर मिलोगे। हाँ राजू, हमें भी यही लगता है। छोड़ो भी अब, भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा। तुम माँ बनने वाली हो। आप ग्रैंडफादर बनने वाले हैं, बट वन थिंग आई विल टेल यू, शी इज वेरी वीक मेंटली फिजिकली, अब इसको पूरे आराम की जरूरत है। मैं दवाइयां भेज दूंगी, रोजाना इनको दीजिएगा। ओके थैंक यू, चलती हूँ ऐश्वर्या। अरे उठो डैडी। क्या बेटी? मैं उनके पास जाना चाहती हूँ अभी इसी वक्त डैडी। ये क्या बेटी, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है और तुम इतनी दूर जंगल में उससे मिलने जाना चाहती हो। लेकिन डैडी ये गुड न्यूज उनको मैं। डोंट वरी, अभी जाता हूँ बेटी, मैं उसे बता दूंगा। डैडी जाऊंगा बेटी, इस पूरे फसाद की जड़ मैं हूं ना, जरूर जाऊंगा, जाके उससे माफी मांगूंगा, क्योंकि मेरे कारण तुम दोनों अलग हुए, उसे किसी भी तरह मना के लाऊंगा ताकि तुम दोनों एक हो जाओ। थैंक यू डैडी, उन्हें मेरी प्रेगनेंसी का पता चलेगा तो सब कुछ सब भूलकर भागते हुए आ जाएंगे।
क्योंकि उनको बच्चे बहुत पसंद है डैडी। वहाँ आप तुरंत जाओ। अभी जाता हूँ बेटी। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, उसको तलाक चाहिए तुमसे। तुम्हारे साथ अब वो नहीं रह सकता और जीते जी तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, उनको आपने बताया ना? हाँ, जब मैंने बताया तो कहने लगा मुझे बीवी नहीं चाहिए तो बच्चे का क्या करूंगा। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जंगल में जीव जंतु भी बच्चे पैदा करते हैं। अगर उसे बच्चा चाहिए तो बच्चे को रख ले, वरना उस बच्चे को गिरवा सकती है। नहीं, सचमुच जो जंगली जानवर है बेटा, पैदा करके जैसे जानवर छोड़ देते हैं, उनमें इनमें कोई फर्क नहीं। उसकी गलती की सजा तुम क्यों भुगतो? उसकी छाया भी तुम पर अब पड़ने नहीं दूंगा। अभी इसी वक्त तुम चाहो तो तुमसे शादी करने के लिए कितने लोग तैयार हो जाएंगे, एक से एक पैसे वाले लड़के तैयार हो जाएंगे। कोई क्यों? विक्की, तुमसे शादी करने को तैयार है? बेटी सुनो, मेरी बात मानो तो डाइवोर्स दे करके अबॉर्शन करवा लो तो अच्छा। नो! ये कागज और ये कोर्ट बेकार है। इतनी बातें जब उसने कही तो सब खत्म हो गया। मैं हत्या नहीं करूंगी। एक जीव के पैदा होने से पहले उसे नहीं मारूंगी। उसके अन्याय से और मेरे स्वाभिमान से मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी बलि नहीं होने दूंगी। मैं उसको पैदा करूंगी, मेहनत करके उसको पालूंगी, अपने बच्चे के सहारे ही अपना जीवन बिताऊंगी। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुनो बेटी। इट्स माई डिसीजन, इट्स माई डिसीजन। साहब, आपका पोस्ट है। थैंक यू। जब से अखिला पैदा हुई है उसे माँ बाप दोनों का प्यार आप ही ने दिया है। मेरे ऊपर विश्वास करके उसकी पालन पोषण की जिम्मेदारी आपने मुझ पर सौंपी। माँ बाप की कमी उसे बहुत खलने लगी है, इसलिए बहुत उदास रहती है। मैडम, आपके बार बार मना कर... उस चौथे पिलर के पास में सुपरवाइजर का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा क्या? चलो। मैडम, इस चिट्ठी के साथ मैं बेबी की एक तस्वीर भी भेज रही हूँ। मेरे ऊपर विश्वास करके आपने उसकी पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी। माँ बाप की कमी उसे खलने लगी है, इसलिए बहुत उदास रहती है। माँ की ममता भला कोई आया दे सकती है क्या? माँ की याद में बेबी अक्सर रोती रहती है। मैडम, आपके बार बार मना करने के बावजूद भी मैं बेबी को अपने साथ लेकर शुक्रवार को आपके पास पहुंच रही हूं। यानी कि आज हमारी बेटी बेटी ऐश्वर्या। किसी के पर्सनल लेटर को पढ़ना है, ये सभ्यता और संस्कार की बात है ऐश्वर्या? छी, जंगल में रहने वाले तुम जैसे तो कभी इंसान बन ही नहीं सकते। Thank you.
गुड गर्ल। क्या चाहिए मेरी प्यारी बेटी को? ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर छुपे रहते हैं। बेटा, बेटा, पिताजी, कैसे हैं आप? बेटा, 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 कैसे आना हुआ माँ? अरे रे 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 रे, सुना है हमारी बहुरानी यहाँ पर आई हुई है, तुम दोनों आपस में बातें करने लगे हो। ऐसी कोई बात नहीं। सुनो बेटा, मुझे पहले मेरी पोती से मिलवा दो। कहाँ है वो? उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई बेटा। कहाँ है वो? तुमको ये सब किसने बताया? कोई भी बता सकता, ऐसी बातें छुपी थोड़ी है। कोलू ने कालू को, कालू ने सूरी को, सूरी ने ईश्वर को, ईश्वर ने नरेश को, नरेश ने इन सबको, और इन सबको। कहाँ है हमारी पोती, बता मुझे। पिताजी सब चुप करे तो। पिताजी, वहाँ उस घर में बाएं जाकर मोड़ो तो। ये है पोती। अरे वाह, हमारी बहू कहाँ है? ब्रिज के पास। कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, मेरे बेटे पर गई है। अरे मेरी पोती, आजा मेरे पास, आजा 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 आजा। हमारे बेटे की खुशियाँ फिर से वापस आ गई। बिल्कुल, अब इस नन्ही सी जान के खातिर हमारा बेटा और बहू दोनों मिल जाएंगे। हाँ, सच कहा। रुकिए, ये क्या दिमाग खराब हो गया आपका? जो बच्चे को यहाँ लाकर इस तरह के कपड़े पहनाकर पागलों की तरह उसे नचवा रहे हैं आप लोग। ये बात नहीं है बेटी, हमारी बच्ची है ना, इसलिए प्यार से उसको। फिर दोबारा आप लोगों ने ऐसा बोला तो ठीक नहीं होगा। प्यार, दुलार, ममता का अर्थ आप और आपका बेटा क्या जाने? जब खुद उसे या मुझसे कुछ लेना देना नहीं है तो फिर अपने बच्चे से उसे क्या काम भला? यही जवाब दिया था ना आपके बेटे राजू ने मेरे डैडी को। प्यार का बंधन, कभी इसका मतलब जानने की कोशिश की है? इंसान होते तो ना जानते, जंगली जो ठहरे। ये तुम क्या बोल रही हो? क्यों इतने अनजान बन रहे? जब मेरे डैडी ने आप लोगों को मेरी माँ बनने की खुशखबरी यहाँ आकर दी थी तो उसने कहा था कि हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो बस तलाक चाहिए, फिर दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और इस तरह आपके बेटे ने मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी थी। एक जंगली आदमी मेरी जिंदगी में आया और सब कुछ खत्म कर गया। इसलिए मैं अपनी बेटी को जंगली लोगों से दूर रखना चाहती हूँ। फिर दोबारा आप लोग उसकी जिंदगी में आकर जहर मत घोलो। मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखोगे। सुनो बेटी, ये कैसी बातें कर रही है? अरे बेटा राजू, इसको तूने धोखा दिया या इसने तुझे धोखा दिया? बेटा कैसी बातें कर रही है? हम दोनों से झूठ बोल के अन्याय जिसने किया, वो इसका पिता अपनी इज्जत बचाने की खातिर ही मर गया। अरे फिर ये बात तू बहुरानी को बताता क्यों नहीं? अरे बेटी सुनो, सुनो। पिताजी, अविश्वास का पर्दा जिसकी आंखों पर हो वो कुछ नहीं समझेगा। हाँ।
राजू भी वो चेहरा भी अभी हमारे घरों की तरफ गया। देखो बच्चे को कुछ नहीं हुआ। बहू तुमने बच्ची को छूने से मना किया था लेकिन उसे बचाने के लिए छुआ मैंने, माफ कर दो। ऐसा मत बोलिए, मेरी बच्ची को बचाया है आप लोगों ने, मैंने आप लोगों पर शक किया, मैं पापी हूँ, मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। हमें इस बात का बिल्कुल कोई दुख नहीं है लेकिन तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है, बस यही गम है। सच्चाई? हाँ बेटी, तुम्हारे पिता ने ये बात हमें नहीं बताई कि तुम माँ बनने वाली हो, बल्कि तुमको तलाक चाहिए ये उन्होंने कहा हमसे। मेरे बेटे से हस्ताक्षर भी गुस्से में लिया उन्होंने। तुम उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, ये सुनकर वो पागलों की तरह भटकता रहा। बेटा, 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 माँ, राजी, माँ, आ बेटा, 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 माँ, माँ, हमारे लिए बासु ना भा बेटा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, हमारी जिंदगी तो अब खत्म होने को आई। बहू का दिल बहुत बड़ा है बेटा, उस मासूम को तो कुछ भी नहीं पता था। अपनी गलती पर उसे बहुत पछतावा है बेटा। माँ वो सब बाद में देखेंगे, पहले मैं तुमको। बेटा हम दोनों की मौत से तुम दोनों अगर एक होते हो तो इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है। जाते जाते अपनी पोती को बचा लिया, बस इस जीवन में इतना ही काफी है बेटा। बेटा माँ, ए माँ, ए पिताजी, रोना नहीं, रोना नहीं। माँ, बेटा, अगर तू रोएगा ना, तो इसकी आत्मा को शांति, शांति नहीं, नहीं, पिताजी, 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 पिताजी। नजर नहीं आ रही है। क्या तुमने अच्छी तरह सब जगह देख लिया ना? सब जगह ढूंढा, कहीं पर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा जंगल की तरफ गई है बेबी। हमारी बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही। सुनिए
अखिला 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 Ugh.